अच्छा जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12। द बुक वी विच वी आर फॉलोइंग इज स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, रिटन बाय एंडरसन एंड फ्रेनी। चैप्टर नंबर 12 हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट एंड इंडिपेंडेंस। इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली अभी तक डिस्कस क्या किया, हम लोगों ने सिंगल मीन की टेस्टिंग की, सिंगल प्रपोर्शन की टेस्टिंग की, फिर डबल मीन की टेस्टिंग की, फिर डबल प्रपोर्शन की टेस्टिंग की। फिर हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में, सिंगल वेरियंस टेस्ट किया, जिसमें हम लोगों ने काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन लगाई। और जब हमारे पास डबल वेरियंस था तो हम लोगों ने एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाई। अब हम लोग देखते हैं कि काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन के और कौन कौन से यूजेज हैं, ठीक है, और में एक इम्पोर्टेंट बड़ा टेस्ट जो है वो गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट है। तो गुडनेस ऑफ फिट देखते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट बेसिकली होता क्या है। पहले पैराग्राफ के अंदर यही लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की, फिर चैप्टर नंबर 2 के 12 के अंदर हम लोग दो एडिशनल जो है वो हाइपोथेसिस प्रोसीजर को डिस्कस करें बेस्ड ऑन द यूज ऑफ काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। और इन हाइपोथेसिस का बेसिकली पर्पस क्या होगा कि इनके जो कंक्लूजन आएगी, द कंक्लूजन ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन हाउ क्लोज द सैंपल रिजल्ट्स आर टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हम लोग बेसिकली होता क्या, आप अपने मैट्रिक किया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उसमें होता क्या था, जब आप मैट्रिक करते थे तो आप लोग के नाइन्थ या टेंथ में पहले वो तीन तरह के एग्जाम होते थे। फर्स्ट सेंड अप होता था, फिर सेकंड सेंड अप होता था, फिर थर्ड सेंड अप होता था, फिर उसे फाइनल एग्जाम से पहले आपके एक पेपर होते थे, ठीक है, फाइनल, ठीक है, उसके बाद जाके आपका बोर्ड का पेपर होता था। तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग उन पेपरों की बेस के ऊपर उनके जो नंबर आए होते थे ना, उनकी बेस के ऊपर आप एक्सपेक्टेड कर रहे होते थे कि जी मेरे अगर 1050 में से सेंडअप्स में से मेरे नंबर आ रहे हैं कुछ 920, तो मेरे जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे जो बोर्ड के फाइनल नंबर आएंगे ना वो कोई 920 से लेकर 940-950 के दरमियान होंगे, ठीक है। तो आप फिर जब रिजल्ट आता था वो बेसिकली आप क्या कर रहे होते थे, आप हाइपोथेसिस ड्रा कर रहे होते थे, क्या मेरे जो एक नंबर आपके पास ओरिजिनल थे जिनके जिनको आप ऑब्जर्व्ड कहते हो फ्रीक्वेंसीज, एक नंबर अभी आप एक्सपेक्टेड थे, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप हाइपोथेसिस उस टाइम पे ड्रॉ कर रहे होते हो, क्या आपके ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बराबर आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। जब आपके पास ऐसे सिनेरियोस होते हैं तो आप बेसिकली का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है, या आप काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अब काई स्क्वेयर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किन जगह पे अप्लाई होता है वो देखिएगा। Consider the market share study being conducted by Scott Marketing Research. Overall, the past year market share stabilized at 30% for company A, 50% for company B, and 20% for company C. Recently, company C developed a new and improved product to replace its current entry in the market. Company C retained Scott Marketing Research to determine whether the new product will alter market shares. आप लोग बेहतर जानते होंगे कि हमारे जैसे मर्चेंटाइल एक्सचेंजेस होती हैं कि एक कंपनी के शेयर्स होते हैं, फर्ज करें कोई मोबाइल कंपनी है, पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सैमसंग होता था, आईफोन होता था, ठीक है, दो तीन नोकिया था, इस तरह करके, फिर एकदम क्या हुआ, चाइनीज ब्रांड्स ने एकदम एंट्री कर ली, ठीक है। तो उनके आने से क्या पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कितना इफेक्ट हुआ है वो शेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस इसी तरह ये तीन कंपनीज थी जिनके मार्केट के अंदर जो शेयर होता है वो टोटल 100% होता है। उस 100% में से बेसिकली हुआ क्या था, 30% एक कंपनी के पास थे शेयर, 50% दूसरी कंपनी के पास शेयर थे, और 20% तीसरी कंपनी के पास शेयर थे, ठीक है। आप लोग रिमेम्बर रखिएगा कि इनकी जो टोटल बने वो हमेशा 100% टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो पी ए जो था मार्केट शेयर फॉर कंपनी ए, पी बी मार्केट शेयर फॉर कंपनी बी, PC मार्केट शेयर फॉर कंपनी सी।
स्क्वाड मार्केटिंग रिसर्च विल कंडक्ट अ सैंपल सर्वे एंड कंप्यूट द प्रोपोर्शन प्रेफरिंग ईच कंपनीज प्रोडक्ट. ए हाइपोथेसिस टेस्ट विल देन बी कंडक्टेड टू सी वेदर द न्यू प्रोडक्ट कॉज अ चेंज इन मार्केट शेयर्स. Assuming that company C new product will not enter the market shares, तो क्या हो जाएगा null और alternative आपके hypothesis क्या रहेंगे? जो proportions हैं वो सारी same हैं, all proportions are same, और HGA जो है वो all proportions are not same. अगर आप उसको बड़ा आसानी से लिखना चाहें तो, अगर आप उसको बेशक proportion की form में लिखना चाहें, यानी जैसे ये लिखा हुआ है PA is equal to 0.30, PB is equal to 0.50, PC is equal to 0.20. अगर आप ये लिखना चाहें आप ये लिखते हैं. अगर आप अपने आसानी से लिखना चाहें तो आप एच नॉट इंग्लिश में लिखते हैं, एच नॉट ऑल प्रोपोर्शन आर सेम, ऑल प्रोपोर्शन आर नॉट सेम. ठीक है, आप अपनी आसानी से जहाँ पे होगा वो आप कर लीजिएगा. अब ये बेसिकली प्रोपोर्शन है. ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट द मार्केट रिसर्च फर्म has used a consumer panel of 200 customers for the study. ये तो proportions थी जो आपको दी गई थी कि जी market के अंदर ये सूरत हाल है. अब आप उस सूरत हाल को verify करना चाहते हो, उस सूरत हाल को verify करने के लिए आपने क्या किया, आपने 200 customers का इसको study के अंदर शामिल किया. ठीक है, और आपने हर individual को पूछा कि आप किस कंपनी की प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे. देखिए मेरे पास जैसे ये कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी है. ठीक है, मैं ये कंपनी ए कहता हूँ कि ये जी आईफोन है, कंपनी बी जो है वो सैमसंग है, कंपनी सी जो है वो आप समझ लें कि हवावे है, न्यू प्रोडक्ट है. अब मार्केट के अंदर 30% जो शेयर थे वो कंपनी ए यानी कि आईफोन के थे, कंपनी बी के शेयर जो थे वो 50% थे, कंपनी सी के जो शेयर थे वो 30% थे. फिर ये तो होगी जो शेयर थे. अब मैंने 200 बंदों से पूछा, यानी कि मैंने एक बंदे से पूछा कि यार आप कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, आईफोन सैमसंग या हवावे. उसने मुझे कहा जी कि मैं जी आईफोन लेना चाहूँगा. ठीक है, मैंने दूसरे बंदे से पूछा कि आप कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, उसने कहा जी मैं सैमसंग लेना चाहूँगा. तीसरे बंदे से मैंने पूछा हाँ जी आप कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, उसने कहा जी मैं जी हवावे का फोन लेना चाहूंगा. तो ये जो 48 बेसिकली 48 98 और 54 है ये वो नंबर्स है. आउट ऑफ 200 48 लोगों ने कहा कि जी वो कंपनी ए की प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, 98 लोगों ने कहा कि वो कंपनी बी की प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, और 54 लोगों ने कहा कि वो कंपनी सी की यानी कि न्यू प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं. ठीक है, जो अब ये आपने ऑब्जर्वेशन खुद से कलेक्ट की, इसलिए इनको आप ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, यानी कि जो आपको डाटा दिया जाएगा उसको बेसिकली आप ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे होते हैं. क्लियर हो गया जी? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. अब हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनाओगे. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? ठीक है, टोटल आपके पास नंबर कितने हैं, 200. कंपनी ए की एक्सपेक्टेड जो मार्केट शेयर है वो कितना है, 30% हो गए 0.30. तो 200 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.30 तो 60 आ जाएगा. कंपनी बी का जो था वो मार्केट शेयर जो था वो 50 था, तो 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.50 तो वो 100 आ जाएगा. कंपनी सी का जो था वो 0.20 था, तो 200 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.20 से तो वो 40 आ जाएगा. अब ये जो 60, 100 और 40 है, ये इनका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि 200 में से 60 बंदे वो होने चाहिए जो कंपनी ए की प्रोडक्ट यूज करें, 100 बंदा वो होना चाहिए जो कंपनी बी की प्रोडक्ट यूज करें, 40 बंदे वो होना चाहिए जो कंपनी सी की प्रोडक्ट यूज करें. ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कॉलम मुझे बताएगा. ये दोनों कॉलम आपको क्लियर हो गए हैं कि ये क्या होते हैं? आप लोग काइंडली सारे मुझे बताइएगा, ये दोनों आपको कॉलम क्लियर हो गए हैं? जी बेटा. यस सर. जी फिजान बेटा. यस सर. हो गए हैं कि ये yes, दोनों बने हैं? जी सर. तासीर बेटा क्लियर हो गया? यस सर. ठीक हो गया. मेरा बेटा आपको भी क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर. क्लियर हो गया. ठीक है,
अक्सर आप लोग बात कर अक्सर आप लोग सुनते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आ रहे होते हैं कि हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी गंदम की कास्ट जो है वो इतनी हो जाएगी, या फलानी चीज की प्रोडक्शन जो है वो इतनी हो जाएगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े अरसे बाद आती है कि जी इस साल गंदम की जो पैदावार है वो इतनी हुई है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट पहले एक्सपेक्ट कर रही थी वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी थी, जब उनके पास जो चीज आ गई वो क्या थी, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यानी कि जब आप लोगों का जीडीपी की हर साल के साल बजट आता है ना, तो उसमें जो फिगर्स दी जाती हैं नेक्स्ट ईयर के लिए बजट, यानी कि इस साल आएगा वो 2021 से 2022 तक आएगा, उसमें जो जीडीपी की प्रोजेक्शन दी जाएगी वो अगले साल के लिए होगी कि हम इतना जीडीपी इस साल एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल इतना बढ़ जाएगा, वो क्या होगी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी होगी, और जो इस साल का होगा वो क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी। जी बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, आगे चलें। यस सर, अच्छा जी, ऑब्जर्व्ड भी हो गया एक्सपेक्टेड भी हो गया, फिर वही सिंपल तरीका, आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आप अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, चाहे तो आप अपनी प्रपोर्शंस में बना लें, नहीं तो आसान करने के लिए आप एच नॉट को लिख लें, ऑल प्रपोर्शन आर सेम, एच ए ऑल प्रपोर्शन आर नॉट सेम। ठीक हो गया जी। दूसरा स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा स्टेप आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपका जो फार्मूला वो ये लगेगा, का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समीशन एफ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, एफ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब एफ जो है वो बेसिकली क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। कई किताबों में ओ माइनस ई डिवाइडेड बाय ई लिखा होगा, ओ ओ आप ऑब्जर्व्ड को कहते हो, ठीक है, आप चाहे ओ लिख लें चाहे आप एफ लिख लें, एक ही बात है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और चौथा जो स्टेप है वो इसका होगा क्रिटिकल रीजन। ठीक है, चले, तीसरा स्टेप आपको समझ आ गया कि हमने फार्मूला लगा दिया। अब तीसरे स्टेप के बाद क्या चीज आती है, आपकी कैलकुलेशन, चौथा स्टेप कैलकुलेशन। ठीक है, आपके पास पहला कॉलम कैटेगरी का बना, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आया, आपने आपने हाइपोथाइज प्रोपोर्शन लिखी, कंपनी सी ए की कितनी प्रोपोर्शन थी 0.30, कंपनी बी की कितनी थी 0.50, कंपनी सी की थी 0.20। उसके बाद ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 48, 98, 54, 200। अब आपके पास सिर्फ ये तीन कॉलम आपको गिवन होंगे, यानी कि ये तीन कॉलम गिवन होंगे, इससे अगले सारे कॉलम आपने खुद बनाने होंगे। क्लियर हो गया जी। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड आपने खुद बनाना है, तो ये पहले तीन कॉलम में गिवन होंगे। हमने फार्मूला देखा, हमें फार्मूले में था कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कोई चीज होती है, तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बना ली। वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे बनी, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.30 किया तो 60 आ गया, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.50 किया तो 100 आ गया, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.20 किया तो 40 आ गया। जब आप इस कॉलम को भी सम करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 200 ही आना चाहिए। अगर वो 200 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप यहाँ पे कोई गलती कर रहे हैं। जी यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तक। यस सर। अच्छा जी, अब आप फॉर्मूले में देखें, आपको तो फॉर्मूले में एफ माइनस ई का स्क्वेयर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले एफ माइनस ई का कॉलम बनाएंगे, यानी कि 48 माइनस 60, 60 किया तो -12 आ गया, 98 माइनस 100 किया तो -2 आ गया, 54 माइनस 40 किया तो 14 आ गया। ठीक है, अब इसी कॉलम का आपको स्क्वेयर चाहिए, तो आपने -12 का स्क्वेयर किया तो 144 आ गया, -2 का स्क्वेयर किया तो 4 आ गया, 14 का स्क्वेयर किया तो 196 आ गया। लेकिन आप फॉर्मूले में देखें, आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, आपको तो डिवाइडेड बाय ई भी चाहिए। ठीक है, आपने आप देखें ऊपर वाला आपने बना लिया, एफ माइनस ई का स्क्वेयर आपके पास आ गया, अब आपको तो ये भी चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई। तो आपने क्या किया, 144 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 2.440 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास 0.04 आ जाएगा, 196 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 4.90 आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7.34। यानी कि ये जो ऊपर वाला फार्मूला है उसका ये आंसर आपके पास आ जाएगा, का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.34।
जी बेटा, इसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ ले, ये क्लियर है? क्लियर है बेटा जी, आगे चलें? यस सर। चले ठीक है। पर अलग अलग हमें अलग अलग डिवाइड करना जरूरी है। अगर हम मतलब इस तरह करें कि जो हमने स्क्वायर लिया है हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक साथ ही सम लेके फिर उसको डिवाइड कर दें। वो बेटा हो सकता है उसका आंसर शायद सेम ना आए, क्योंकि वो फॉर्मूले में ना हर इंडिविजुअल वैल्यू का उसने दिया हुआ है। यानी के देखो 144 प्लस 4 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 344 डिवाइडेड बाय 200 करके, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, 144 प्लस 4 प्लस 196 करेंगे ना तो ये आ जाएगा 344। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना 200 पे तो ये आंसर आता है आपका 1.72, जबकि यहाँ पे आप आंसर देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है 7.34, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ हमारा बेटा? यस सर। ठीक हो गया। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए, दूसरा स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा स्टेप आपने फॉर्मूले का लिखा, चौथा स्टेप आपने कैलकुलेशन का कर लिया, पांचवा स्टेप आपके पास क्या आता है वो है आपका क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आपका उसी तरह होगा, क्रिटिकल रीजन अप्रोच काय स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काय अल्फा, और इसमें क्योंकि आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं तो आप इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो के माइनस वन के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब जो के है वो बेसिकली कैटेगरीज है। अब यहाँ पे देखें आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं, तीन है, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, तो तीन कैटेगरीज हैं। थ्री माइनस वन करेंगे टू आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 0.5% पे काम कर रहे हैं तो 0.05 को टू पे देखेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। टेबल देखना तो सबको आता है ना, टेबल के अंदर तो कोई इश्यू नहीं है ना? नो सर। ठीक है सर। और पांचवा स्टेप जो होगा वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। अगर तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि जो 7.34 है ये अगर क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर रही होगी, ठीक है, रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। क्लियर हो गया जी? तो दोबारा सुने, कायस्कर गुणना से फिट, पहला टेस्ट, पहला स्टेप आप क्या बनाएंगे, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें आप नल हाइपोथेसिस बनाएंगे ऑल प्रोपोर्शंस आर सेम, सेकंड स्टेप अल्टरनेटिव ऑल प्रोपोर्शंस आर नॉट सेम, अगर आप आसान करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है नीचे आप क्वेश्चंस देखेंगे हो सकता है उसमें चार चार कैटेगरीज दी हो, जैसे ये देखें एच नॉट पी ए पी बी पी सी इज इक्वल टू 0.25, ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास ये देखें आप ब्राउन येलो रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू, तो बजाय आप पी ए इज इक्वल टू 0.30 पी बी इज इक्वल टू 0.20 पी सी इज इक्वल टू 0.20 पी, तो ये आप लिखने के बजाय आप सिंपल लिख लें ऑल प्रोपोर्शंस आर सेम और नीचे वाले एच ए के अंदर ऑल प्रोपोर्शंस आर नॉट सेम। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे भी देखें कि उन्होंने क्या किया हुआ है, आपको ऊपर प्रोपोर्शन दिया है, नीचे आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, आपने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बना ली। ठीक हो गया जी? यस सर। और ये देखे नीचे, अब ऊपर देखें उसने साथ में परसेंटेज का साइन यूज किया, नीचे वाले क्वेश्चन में देखें उसने परसेंटेज ऊपर लिख दिया साथ में परसेंटेज का साइन यूज नहीं किया, यानी कि उसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया। क्लियर हुआ जी बेटा जी? यस सर। ठीक है। और फिर नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर के अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन कलेक्ट्स डाटा ऑन द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स पर्सनल चेक्स एंड कैश व्हेन कस्टमर्स पे फॉर इन स्टोर परचेजेस, ठीक है, क्रेडिट कार्ड इतने 22% लोग यूज करते थे, डेबिट कार्ड 21% यूज करते थे, पर्सनल चेक जो है वो 18% यूज करते थे, कैश जो है वो 39% यूज करते थे। ठीक है। अब उसने बड़े देखे स्टोरी के साथ आपसे इन्फॉर्मेशन उसको दिया, कई दफा उसने कॉलम में दी होती है, कई दफा उसने इंग्लिश में दी होती है। अ सैंपल टेकन इन 2003 फाउंड दैट 220 इन स्टोर परचेजेस 46 यूज, टोटल कितने हुए 220 हुए,
ठीक है, जिसमें से क्या हुआ 46 जो लोग थे वो क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, 67 जो लोग थे वो डेबिट कार्ड यूज करते थे, 33 जो थे वो पर्सनल चेक यूज करते थे, और 74 जो थे वो कैश यूज करते थे। तो इसने ये क्या हो गया, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैकेंसीज आ गई। क्लियर हो गया जी? यस सर। ठीक है, ऑब्जर्व्ड से आपने एक्सपेक्टेड वैकेंसीज बना ली, ठीक हो गया, और आगे आपने काम कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह ये वाला टॉपिक बेटा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब आपको आइडिया हुआ है कि जो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था वो इस तरीके से नहीं होना था। क्लियर हो गया जी? यस सर। अब अगला जो टेस्ट है दैट इज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, आगे हम लोगों ने जैसे मोबाइल फोन की बात की, अब मोबाइल फोन के साथ वो ही तीन चीजें हैं, आईफोन है, सैमसंग है, हुआवे है, साथ में मैं ये करता हूँ कि मुझे देखना है कि क्या जो जेंडर है उनका भी इम्पैक्ट होता है कोई इन आईफोन या इन मोबाइल की परचेजेस के ऊपर। क्या पहले तो मैंने क्या किया, सिर्फ परसेंटेजेस देखा, अब मैं देखना चाहता हूँ तो क्या कोई जेंडर का भी रोल होता है मोबाइल परचेज के ऊपर नहीं। तो इसी तरह की एक एग्जांपल टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस उसको कहते हैं, तो आए बहुत देखते हैं। लेट अस इलस्ट्रेट द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय कंसीडरिंग द स्टडी कंडक्टेड बाय द एल्बर्स ब्रूअरी ऑफ टस्कन एरिजोना। एल्बर्स मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स 3 टाइप्स ऑफ बियर, लाइट, रेगुलर एंड डार्क। इन एन एनालिसिस ऑफ मार्केट सेगमेंट्स फॉर द 3 बियर्स, the firm market research group raised the questions of whether preferences for the 3 beers among female and female. ab beer ke jagah humne kya kar liya, humne apne iphone rakha hua hai, theek hai, ya aap chale apni aasani ke liye abhi isko isi tarah example karne dete hain. ek side pe unhone kya kiya, gender rakh liya, ek side pe unhone beer preferences rakh li ke log jo hain kya gender jo hai, gender preference jo hai, gender jo hai wo beer preference ke upar rakhta hai koi asar, yani ki koi log light beer peete hain, koi log dark beer peete hain, koi log strong beer peete hain, is tarah karke to aapka h not or h a jo hai wo aap chahe apna beer preference independent of the gender of the beer drinker kar le, ya aap bada aasani se mein iske jo hypothesis ban sakte hain wo pata kya ho sakta hai, the rows are independent of column variable, the row variable is independent of column variable, yeah the column variable is independent of row variable, yani ki jo aapke column ke variable hai, yani ki ye jo column ke hamare variable hai beer ke light, regular, dark, ye gender ke upar asar nahi rakhte, theek hai, beer preference ya aap is tarah kar le, कॉलम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रो वेरिएबल, और एच नॉट कॉलम वेरिएबल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ रो वेरिएबल। आगे चल के इसको देखते हैं और भी, और ये जो टेबल होता है इसको आप कंटीजेंसी टेबल करते हैं, ठीक है, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसका मतलब है ये 2x3 का कंटीजेंसी टेबल है। मेरे हाल इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने ये टेबल वगैरह पढ़ लिए होंगे कि कंटीजेंसी टेबल क्या होते हैं, 2x2 का टेबल क्या होता है, 2x3 का टेबल क्या होता है, कुछ आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी होगा, ऐसा है बेटा जी? यस सर। ये देखें, ये रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है ना, तो 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो 2x3 का कंटीजेंसी ये टेबल है। अब ये जो है ये आपके पास ऑब्जर्व्ड वैकेंसीज है, ठीक है, ये जो है आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, टोटल 50 लोग लाइट पसंद करते हैं जिनमें से 20 लोग मेल हैं, 30 लोग फीमेल हैं, टोटल 70 लोग जो हैं वो रेगुलर बियर पसंद करते हैं जिनमें से 40 जो हैं वो मेल हैं, 30 जो हैं वो फीमेल हैं, टोटल 30 लोग जो हैं वो डार्क बियर पसंद करते हैं जिनमें से 20 मेल हैं, 10 फीमेल हैं, और टोटल जो मेल हैं वो कितने हैं, 80 हैं, टोटल फीमेल जो हैं वो 70 हैं, ठीक है, और टोटल मिला के जो हुआ वो सम कितना हुआ, टोटल मेल और फीमेल का सम कितना हुआ, 150,
ये टेबल क्लियर है आपको, टेबल के अंदर वैल्यूज क्लियर है कि ये कैसे पढ़ते हैं, मुझे ये बता दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। यस सर जी, बाकी बेटों का भी क्लियर है? तासीर बेटा आपको क्लियर है? यस सर। मायरा बेटा आपको भी क्लियर है? यस सर। ब्रिया बेटा आपको? यस सर। अच्छा, ये जो टेबल है, अब ये जो होगा ये आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है, क्लियर हो गया जी? अब उसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बनानी है, ठीक हो गया? अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज देखिएगा कैसे बनेगी। आपका ये जो 20 है, ये पहला सेल है, पहली रो का और पहले कॉलम का, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऐसे निकलेंगी 80, यानी कि रो का टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम का टोटल। जिस रो के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग लाइट की 20 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, रो टोटल 80 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 26.67। अगर आपके लोगों के पास मोबाइल है तो आप एक दफा करके देख लें, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। आप लोग जरा करके देख लें एक दफा, आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी। पहला कॉलम 80 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, मुझे जरा बता दीजिएगा जब हो जाए। यस सर। सर 40 आंसर? नहीं, 40 नहीं आएगा, ये आएगा 26.67। सर 80 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100? नहीं नहीं, 100 नहीं, 150, देखें टोटल 150 है। ओके सर। ये आप ना ये कॉलम जरा 80 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 150 क्या आया आंसर? ओके सर, 26.6। अब उससे नीचे वाले का आपने करना है, तो नीचे वाली की रो का टोटल क्या है, 70 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 150, ये करें जरा 23.33। ये देखें 23.33, ठीक है, यानी कि 26.67 भी क्लियर हो गया, 53.33 भी क्लियर हो गया। अब ये 37.33 है, अब ये कैसे आया, रो का टोटल क्या है 80 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 150। यस, करें जरा, ये देखें 37.33। तो ये यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्लियर हो गई हैं कि किस तरह आई हैं? यस सर। जी बेटा, सर तासीर बेटा, मायरा बेटा, ब्रिया बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक हो गया, तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी निकाल ली और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज भी आ गई, हमारा काम हो गया खत्म। तो हम लोग प्रोसीजर पे आ जाते हैं जी। प्रोसीजर क्या है, पहला स्टेप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। रो वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम वेरिएबल, रो वेरिएबल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम वेरिएबल, ठीक है? आपका जो रो वेरिएबल है वो कॉलम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, ठीक है? सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप आपका आ जाएगा फार्मूला का स्क्वायर, डबल समीशन आपने लगाना, क्योंकि आप रो के साथ भी काम कर रहे हैं, आप कॉलम के साथ भी काम कर रहे हैं, एक आपका रो का लगेगा, एक आपका कॉलम का लगेगा सम, ठीक है? एफ, ये नीचे आई जे लिखने की कोई हाज जरूरत नहीं है, ठीक है? किसी बुक्स में ओ होगा, किसी बुक्स में एफ होगा, एफ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, ठीक है? वही एफ जो है वो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, ई जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, और इसको देखें, ठीक है? फिर ये फार्मूला वही है जो आपने गुडनेस ऑफ फिट में किया, लेकिन इस दफा जो है वो थोड़ा सारा एक सम ऐड हो गया, ठीक है? अब चौथा स्टेप आपने कैलकुलेशन का करना है। कैलकुलेशन देखें आप कैसे करेंगे, पहले आपने क्या लिखा, जेंडर लिख लिया, फिर आपने बियर प्रेफरेंसेस लिख ली, फिर आपने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एक लाइन पे लिखनी, ठीक है? 20, 40, 20, 30, 30, 10। जी ये तीन चीजें कॉलम ही आपको गिवन होंगे, क्लियर हो गया जी? ऐसा ही है, हमें ये तीन चीजें गिवन थी। यस सर।
अब उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बना ली, वो हमने सीखी कि कैसे बनती हैं, उसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि वो कैसे आई? नो सर। फिर वही f माइनस e किया यानी कि 20 माइनस 26.67 किया माइनस 6.67 आ गया, 40 माइनस 37.33 किया 2.67 आ गया, इन्हीं वैल्यूज का आपने स्क्वायर कर लिया 44.44 आ गया, 7.11 आ गया, 16.0 आ गया, और अगला आपको कॉलम क्या चाहिए, f माइनस e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e, यानी कि 44.44 डिवाइडेड बाय 26.67 किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1.67, 7.11 किया डिवाइडेड बाय 37.33 किया आपके पास आंसर क्या आ गया 0.10, जब आपने इन कॉलम का सम किया आपके पास आंसर आ गया 6.12। जी यहां तक क्लियर है कि ये 6.12 कैसे आया? यस सर। क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। चले ठीक है, तो कैलकुलेशन होगी आपके पास, कैलकुलेटेड आंसर आ गया 6.12। अब चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने बनाना होता है क्रिटिकल रीजन। अब इसमें तो हमारे पास जो है वो दो चीजें हैं, एक हमारे पास कॉलम है, एक हमारे पास रोज है। अब ठीक है, जो रोज होंगी वो आप उसको एन से डिनोट करोगे, कॉलम को आप एम से डिनोट करोगे, और इसका तरीकाकार वही होगा काय स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काय अल्फा और साथ में वी। अब इसका वी जो है डेट इज इक्वल टू एन माइनस वन एम माइनस वन, एन जो है वो आपकी रोज है, यानी कि यहाँ पे हमारी रोज जो है वो दो है, 2-1 मेल और फीमेल रोज थी ना, और एम जो है वो कॉलम है, तो कॉलम आपके तीन थे तो 3-1 किया तो 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 2 आ गया, 2 को आप जब 0.05 पे देखेंगे तो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तरीकाकार वही है पांचवें छठे स्टेप का, डिसीजन रूल का, कंक्लूजन का। अगर तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंदर फॉल कर जाएगी, रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज एक्सेप्ट एच नॉट। क्लियर हो गया जी? यानी कि गुडनेस ऑफ फिट के अंदर हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन निकलता था वो के माइनस वन के थ्रू निकलता था, कैटेगरीज के थ्रू। यहाँ पे क्योंकि हम रोज और कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो एन माइनस वन एम माइनस वन के थ्रू निकलेगा। ठीक हो गया जी? यस सर। ठीक हो गया सर। और ये देखें नीचे आपके पास है, ये देखें उन्होंने आपके पास, अब क्या यहाँ पे टाइप ऑफ टिकट क्या है, ये तीन कैटेगरीज है, ये कंटिजेंसी टेबल देखें 3x2 का है, यानी कि तीन आपके पास रोज हैं और दो कॉलम है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं, आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, आपका जो है वो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, द टाइप ऑफ टिकट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ फ्लाइट, या रो आप आसान करना चाहें तो रो वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम वेरिएबल। ठीक हो गया जी? ओके सर। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कंटिजेंसी ऑफ टेबल कितने का है, दो रोज हैं, 1, 2, 3, 4 कॉलम है, 2x4 का हो जाएगा, तो यहाँ पे नल और हाइपोथेसिस आपका क्या बन जाएगा, द पेमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज ग्रुप, या आप आसान करना चाहें तो क्या हो जाएगा, पेमेंट इज रो वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम वेरिएबल, और एच ए जो है वो रो वेरिएबल इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम वेरिएबल। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन है, आपको टोटल करना है दोनों का, ठीक है, सम करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, उनको बिल्कुल सेम लाइन पे आपने काम करना है। ठीक है, ये दो टॉपिक थे आज के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्मॉल मीडियम और लार्ज हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, और टोटल उन्होंने दिया हुआ है, एक साइड का नीचे पर आप करेंगे और बाकी कैलकुलेट कर देंगे। जी ये हो जाएगा? यस सर। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कल तक, ठीक है, दो दो क्वेश्चन करके ना, दो क्वेश्चन ऊपर वाले के, दो क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन, ये टॉपिक के आपने करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देने हैं। ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो क्या मैं चेक कर लूंगा? ठीक है, कोई भी आप ऐसा करें ना, बेशक दो क्वेश्चन, जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 9-10 जो है वो आप कर ले, फैजान कर लेगा, 11-12 जो है वो मायरा कर लेगी, 13-14 जो है वो तासीर कर लेगी, 14-15 जो है वो इस तरह ब्रिया कर लेगी। इस तरह ये क्या हो जाएगा कि आपके पास सबका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक हो गया? ओके सर। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, परेशानी? नो सर। क्लियर होगा जी? यस सर।
आज के दोनों लेक्चर जो है वो इसी में ही मैंने ना कवर कर लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने कल जो है ना मुझे भेजना है, फिर कल जो है ना वो फिर आप लोगों के साथ मैं उनको चेक कर लूंगा, ठीक है। और कल शाम को हो सकता है फिर आपका इन्हीं दो टॉपिक्स का में से ना आपका क्विज होगा, कल रख लें क्विज। यस सर। चलें ठीक हो गया, कल फिर आप लोग जब मुझे आप लोगों कल कल, कल क्विज रख लेता हूँ मैं 4 बजे, ठीक है। 4 बजे ठीक है या पहले रखना है? नो सर, 3:30 तक हमारी कल क्लास होती है। 3:30 तक तो क्लास है हमारी। प्रिया बेटा जब भी टाइम मुझे मैसेज पे ना बता देना, जो भी आपका होगा ना कल आप लोगों का इन्हीं दो टॉपिक में से ना क्विज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपने मुझे वो क्वेश्चंस सॉल्व करके उससे पहले भेज देने हैं, ठीक हो गया जी? जी सर। चलें ठीक हो गया, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।